हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? किस तरह से हैं? मतलब कहना ये चाहिए कि लगभग 4 महीने हो गए मैं डायरेक्टली आपके सामने लाइव नहीं आया. लाइव मीन्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं किया और आपको शॉर्ट टिप वीडियोस बहुत सारे दे डाले, ठीक है ना. तो पर्टिकुलर इस वीडियो में, ये वीडियो मैंने इसीलिए क्रिएट किया अभी, और इसमें न्यू अनाउंसमेंट है. आपको ये बताना है कि हम क्या करने वाले हैं आगे से, और वापस आई विल बी एक्टिव अगेन, राइट. अप टू नाउ मैं शॉर्ट टिप वीडियोस बना रहा था जो कि कुछ बच्चे लाइक नहीं कर रहे थे. पॉइंट ये है कि कुछ बच्चों की लाइकिंग ये भी रहती है कि वो चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई कॉन्सेप्ट है उसको खाली देखना चाहते हैं और वो फुल चैप्टर्स नहीं चाहते, ठीक है. तो उसके लिए हमने अलग से इस तरह के शॉर्ट टिप वीडियोस बनाए, राइट. और अब इसको हम यहीं पे रोक देंगे बिकॉज एग्जाम पास में है और कई सारी चीज़ें हैं. तो मुझे दो बातें आपसे मेनली शेयर करनी है. एक तो बच्चे बार बार ये पूछते आ रहे हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें शॉर्ट टिप वीडियोस और जो लॉन्ग वीडियोस चैप्टर्स के जिनके मैंने अपलोड किए हैं, तो उनमें क्या फ़र्क है, ठीक है. और अपना maths.in की सारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं उसकी भी मैं डिटेल देना चाहूँगा, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं. वो प्लेलिस्ट में चेक नहीं करते हैं कि क्या चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी, राइट. वो खाली एक वीडियो देखते हैं और उनको प्रॉपरली, हो सकता है मे बी पॉसिबल कुछ बच्चों को प्लेलिस्ट जो है ढंग से, मतलब उसको देख नहीं पाते हैं कि कितने हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट भी हमारी बहुत सारी बनी हुई है. 61 प्लेलिस्ट है आज की डेट में, ठीक है. तो इतनी ज़्यादा प्लेलिस्ट होना और उसको फिर सर्च आउट में, उस बीच में मैंने शॉर्ट टिप वीडियोस भी इसमें मिक्स कर दिए हैं, तो मतलब कई बार दिक्कत होती है. तो मैं उसको फुल डिटेल करूंगा आपको. हमें दो चीज़ें करनी है. एक मैथ्स कार्ट पे जितने भी वीडियोस हैं उसकी मैं डिटेल आपको जल्दी से बता देता हूं, और सेकंड हम करेंगे न्यू अनाउंसमेंट फॉर द क्रिएटिंग द न्यू चैप्टर्स, राइट. तो 12th बोर्ड पास में आने वाला, तो हमें ये करना देखना होगा कि मतलब कौन कौन से चैप्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो सारी बातें मैं बताऊंगा, ठीक है. तो पहले हम इस पॉइंट को देख लें कि क्या चीज़ें मतलब हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी प्लेस की हुई हैं, ठीक है ना. तो दो तरह के वीडियोस हैं. एक हैं शॉर्ट टिप वीडियोस जो आप देखते आ रहे हैं, और दूसरे हैं जो लॉन्ग चैप्टर्स हैं, कंप्लीट चैप्टर्स हैं. उन चैप्टर्स को मैंने क्लियरली यहाँ पर लिखा है, 11th के चैप्टर्स हैं और ये कंप्लीट हैं, राइट. तो मैं इसको वन बाय वन स्पीडली आपको बोलता जाऊंगा, क्योंकि सबको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे चैनल पे कौन कौन से वीडियोस अवेलेबल है, राइट. कई बार बच्चा कंफ्यूज रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि कौन से वीडियोज है, कब कोई कुछ इनकम्प्लीट भी है, तो वो मैंने उनको भी मेंशन किया है साफ साफ कि कौन से इनकम्प्लीट है, राइट. तो हम ये सारी चीजें अब नई एनर्जी के साथ में हम काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों के जो कॉमेंट्स हैं वो सुपर्ब है. कुछ मैंने 2-3 कमेंट्स तो जरूर इसमें मेरे पास में हैं, और रियली मतलब आप लोगों से एक अफेक्शन इस बात को लेके हो गया कि ठीक है, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इस कैमरे के थ्रू आपसे इंटरेक्शन होती है, लेकिन बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही लाजवाब है, रियली हार्ट टचिंग है. मैंने 2-3 अभी इसमें निकाले हैं, लेकिन ऐसा मैं करने वाला हूँ कि एक वीडियो पूरे कमेंट्स का भी बनाने वाला हूँ. मैं ऐसा करूंगा कि जिनके भी बहुत ही अच्छे प्यारे कमेंट्स हैं उनको एक जो 15-20-25 अराउंड कमेंट्स को मैं सिलेक्ट करके और उनको आपको बताऊंगा. तो मतलब एक देखिए, मैं इसने एक बच्चा है, इसने हिमांशु सिंह राजपूत है, एंड उसने एक बहुत प्यारा कमेंट लिखा है कि सर आप गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नहीं, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग बोलिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा हम लोगों को. तो मैं अब तक हर वीडियो में जैसे ही अपीयर होता हूँ तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलता था, ठीक है. ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए आप बिल्कुल बच्चे हैं और मैं बिल्कुल आपके पेरेंट्स की तरह, आपके फादर, मैं आपका फादर भी हूँ, मदर भी हूँ, और पूरी पेरेंटहुड आप लोगों के साथ में लगाएंगे. हम बहुत बड़े गुरु तो नहीं हैं, लेकिन शिक्षक जरूर हैं, टीचर जरूर हैं. हम चाहते हैं कि आप लोग ग्रो करें, और आपका जो अटैचमेंट, कमेंट्स और उसमें जो दिल की बातें निकल के आई हैं वो रियली टचिंग है. 3-4 कमेंट्स तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा. हिमांशु का बता रहा हूँ मैं, सर आप, वो जैसा इसने बोला कि आप गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नहीं, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, ये यूपी बिहार में चलता है,
गुड मॉर्निंग बच्चा लोग बोलिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो ठीक है, अब मैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलूँगा, बच्चे बोलूँगा, बच्चों बोलूँगा, स्टूडेंट्स बोलूँगा, लेकिन फ्रेंड्स नहीं बोलूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स में आप थोड़ा सा आपको लगता है फ्रेंड्स क्यों बोल रहे हैं। एक है रिशित संगीला, सर प्लीज डू नॉट रब द इंक ऑफ मार्कर विद योर हैंड, इट मे कॉज स्किन कैंसर। तो मतलब वो ये भी कह रहा है कि आप कई बार मैं हाथ से ऐसे उसको रब कर देता हूँ, तो बोलता है कि वो मत करो आप। तो बहुत हार्ट टचिंग कमेंट है ये इस बात का कि मतलब ऐसा मत किया करो, उससे आपको स्किन कैंसर और ये सब हो सकता है। प्रिया सिंह है, उसने ये मैंने अभी इनिशियली सिलेक्ट किए हैं, ठीक है ना, तो मैं बहुत सारे निकालने वाला हूँ पिछले 5, 6, 7, 8 महीने के जितने भी होंगे, क्योंकि उसमें बहुत कंटिन्यूसली सर्च करना होता है। तो एक प्रिया सिंह ने लिखा है कि यू आर द मोस्ट बेस्ट टीचर ऑफ द मैथ्स ऑन द यूट्यूब, और कईयों ने तो बहुत ही मतलब वो मैं अभी 3 निकाल पाया हूँ और आगे मैं डिटेल में देखूंगा सारे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं बच्चों के। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब हम अपनी उस पॉइंट पे आते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने मैथ्स कार्ट पे कौन कौन से वीडियोस, कार्ट मतलब आप समझ गए होंगे, फ्लिपकार्ट से हमने कार्ट वर्ड चूज किया, कार्ट मतलब गाड़ी, और ये जो हमारी गाड़ी है वो मैथमेटिक्स की गाड़ी है, मैथमेटिक्स कार्ट वर्ड एग्जैक्टली यूज होता है बैलगाड़ी के लिए, ठीक है ना, लेकिन वहां से कार्ट वर्ड मैंने चुराया और मैंने मैथ्स के आगे कार्ट लगा दिया। तो हमारी जो मैथ्स कार्ट है वो मैथमेटिक्स की गाड़ी है, उस पर आप अपना कुछ भी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, आप अपने माइंड में अपलोड कर सकते हैं, वी हैव राइट। तो देखिए 11th में ये जो टॉपिक्स हैं इन पे ये हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और उसकी मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको। बेसिक मैथमेटिक्स है 18 चैप्टर्स में कंप्लीटेड है, मैं ये जल्दी जल्दी आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर्स हमारे 100% कंप्लीट है 11th और 12th के, और कौन से रिमेनिंग है, और फिर हम कौन से टॉपिक्स पे अब नया उसको क्रिस्पी फास्ट वीडियोस हम बनाने वाले हैं, और डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू लाइक द वीडियोस राइट, क्योंकि आपके 4-5 महीने में जो कमेंट्स आए उनसे मैं समझ गया हूँ कि किस तरह की आपकी लाइकिंग है, हम एज पर योर लाइकिंग वी विल स्टार्ट मेकिंग द वीडियोस राइट। तो देखिए 11th में ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स 11 चैप्टर्स में कंप्लीट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत पहले मैंने इनिशियली डाला था, 13 पार्ट्स हैं राइट, बाइनोमियल थ्योरम में 9 पार्ट्स हैं, ये सबसे मतलब ट्रेंडिंग वीडियोस हैं जो सबसे ज़्यादा आपने लाइक किए हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 53 पार्ट्स में अवेलेबल है, कंप्लीट है राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत ह्यूज बड़ा बनाया मैंने, 51 इसमें पार्ट्स में कंप्लीटेड है, और टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम 24 में है, ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो स्ट्रेट लाइन 20 पार्ट्स में कंप्लीटेड है, सर्किल पूरा पूरा दिया हुआ है मैंने, 40 पार्ट्स में है अवेलेबल, पैराबोला 25 में है, इलिप्स 24 पार्ट्स में है, कंप्लीट है। जो ये कंप्लीट लिखा हुआ है इसमें एक भी वीडियो कट नहीं है राइट, एक भी पार्ट इसमें डिलीट नहीं है, पूरा पूरा है ठीक है। आप देखिए सर्किल 40 में है, पैराबोला 25 में है, इलिप्स टोटल 24 पार्ट्स में है, इसके बाद में हाइपरबोला 25 में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज ये आपका 30 में है ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो 16 पार्ट्स में कंप्लीट है, SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स इसमें 3 वीडियोस कम है, 4 वीडियोस कम है ठीक है ना। तो इसमें ऐसा है कि मतलब 23 पार्ट्स अवेलेबल है आउट ऑफ 27, तो इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ये मेरे पास अवेलेबल है, मतलब इसको एक थोड़ा सा इनिशियली कुछ वीडियोस कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, लेकिन अब हम पूरा चैनल जो है आपको एकदम कंप्लीट चैप्टर्स अवेलेबल करवाएंगे ठीक है, ये भी कंप्लीट कर देंगे, एंड एट प्रेजेंट इट इज 23 पार्ट्स आउट ऑफ 27 राइट। अब आइए आप 12th के चैप्टर्स पे, ये 11th के वो चैप्टर्स हैं जो मैंने पूरे पूरे अपलोड किए हुए हैं मैथ्स कार्ड पे ठीक है। मैट्रिक्स आपका 27 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 29 राइट, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद डिटरमिनेंट्स हैं 22 पार्ट्स आउट ऑफ 27, इसमें 5 वीडियो अभी घट रहे हैं, इसको भी हम अपलोड कर देंगे राइट। वेक्टर्स आप देखिए 35 है टोटल, 35 इसमें पार्ट्स में कंप्लीट है वेक्टर्स, 3D पूरा ही है 42 पार्ट्स में, प्रोबेबिलिटी इन 35, फंक्शन इन 23, लिमिट्स 12, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन 9 राइट, डिफरेंशिएशन इन 20, रेट मेजर
रेट मेजर नॉर्मली ट्वेल्थ का ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तो मैंने इसको भी अलग से लिया है, रेट मेजर इन फाइव पार्ट्स, ठीक है। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT फोर पार्ट्स में कंप्लीट की, इसमें छोटी छोटी दो थ्योरम्स हैं, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम होती है, तो वो हमने फोर पार्ट्स ही लिए इसके, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एट में है, मोनोटोनोसिटी नाइन में है, राइट। मैक्सिमा एंड मिनिमा 12 पार्ट्स में कंप्लीट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए आप 52 पार्ट्स में कंप्लीट चैप्टर। डेफिनेट इंटीग्रेशन इन 32 पार्ट्स, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरह से बनाया, इसमें बहुत सारे मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बहुत इसमें प्लेस किए हैं, 32 पार्ट्स में है, ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर्स जो है हमारे बाकी रह रहे हैं, कौन कौन से, तो ये पहले मैं 12th के आपको बता रहा हूँ, ये हमारे चैप्टर अभी चैनल पे अवेलेबल नहीं है, एरिया अंडर द कर्व है, राइट। इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ITF छूट गया है शुरू में, ठीक है। और रिलेशंस एंड फंक्शंस में मैंने फंक्शन तो पूरा कर दिया है, फंक्शन आप देखिए फंक्शन 23 पार्ट्स में है, रिलेशन अलग से इसका चैप्टर हम क्रिएट करेंगे और उसकी पूरी प्लेलिस्ट अलग से आएगी, ओनली रिलेशन, राइट, तो वो अलग से डालना होगा। LPP जो कि 12th का चैप्टर है, ये भी हम प्लेस करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, राइट। सो ये भी हम चाहेंगे कि पूरा हो जाए। स्टैट्स है जो भी, कि ये भी मैं चाहूँगा कि जो बच्चे 12th CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अवेलेबल हो, तो इस पर हम काम करने वाले हैं। 11th का देखिए, इस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए आप लोगों के कि सीक्वेंस एंड सीरीज डाल दो सर, सीक्वेंस एंड सीरीज डाल दो सर। अब पॉइंट ये हुआ कि मैं सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो चैप्टर शुरू में डिस्कस होना था उससे मैं निकल गया शुरू से, तो फिर मैं अगले टॉपिक्स के बारे में सोचने लगा। अब जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है 12th का, तो अब हम सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, आपके मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है जो कि आप चाहते हैं कि मैं उसको मैथ्स कार्ड पे अपलोड करूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हमें ये बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से देखना है, तो अभी मेरे लिए जो प्रायोरिटी में है, मैं जो समझता हूँ कि और जो कमेंट्स हैं आप लोगों के, तो उसके हिसाब से मैं जो है आप अनाउंस करने बताने वाला हूँ आपको कि कौन से चैप्टर हम अपलोड करेंगे, राइट। तो देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये पेंडिंग है 11th का। इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी बहुत तरह की इनइक्वलिटी होती है, तो उस पूरी इनइक्वलिटी का एक चैप्टर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर IIT पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो इसको भी हम डालने वाले हैं। लॉगरिथम्स भी 11th का, ये जो चैप्टर है ये बाकी है। अब जो नेक्स्ट जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला है पास में, तो वो हम मैं चाहूँगा कि वो उसके बारे में बता रहा हूँ कि आज जो वीडियो एक तरह की अनाउंसमेंट थी ये सारी बातों की, बहुत दिनों से मैं डायरेक्टली इस तरह से इंटरेक्ट भी नहीं किया था आपसे, बिकॉज शॉर्ट टिप वीडियोज़ ही हम बनाते रहे कंटिन्यूसली, राइट। तो अब पॉइंट यह है कि मतलब नया हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो नए जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th के, तो 12th के ये होगा एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन तक कंप्लीट कर चुके थे, राइट। तो इसके बाद में आने वाला है एरिया अंडर द कर्व और फिर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक चीज मैं आपको बता दूं ईमानदारी से कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल, अगर मेरे पास में टाइम रहा तो मैं कवर करूंगा उसको, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ITF छूट जाए, तो ITF का आप ध्यान रखिए कि उस पर मेरे ऊपर डिपेंड मत कीजिए, आप उसको कहीं से भी कवर कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत सारी जगह पे अवेलेबल होते हैं, आप खुद पढ़ भी रहे होंगे अपने कोचिंग या स्कूल के थ्रू या जिस तरह से भी है, ठीक है। तो इस टॉपिक की मैं गारंटी नहीं लेता इस साल, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि एरिया अंडर द कर्व मैं कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट सीरीज हमारी वही स्टार्ट होने जा रही है, राइट। इसके बाद में हम तुरंत बाद डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी ये जो चैप्टर्स हैं छूट जाएंगे, हो सकता है कि ITF कवर हो जाए थोड़ा सा, और नहीं भी हो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट में आपके ये दो टॉपिक तो मैं गारंटेड बोलता हूँ कि आपको अभी नवंबर तक में ये पूरा कर देंगे और दिसंबर में डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेंगे, और हो सकता है 15th ऑफ दिसंबर तक मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कंप्लीट कर दूँ, तो फिर हम ITF भी ले सकते हैं। जो नया चैप्टर है वो हम खाली इस 2019 तक जितने भी क्रिएट कर पाएंगे वहाँ तक रखेंगे, उसके बाद में हम कुछ आगे का प्लानिंग है जो मैं आगे अनाउंस करूँगा आपको, ठीक है। तो रिलेशंस बाकी छूट जाएगा, LPP छूट जाएगी, स्टेट्स छूट जाएगी, ठीक है ना, तो ये टॉपिक इसमें से छूट सकते हैं। तो ये सारी बातें थी
और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो लाजवाब कमेंट्स की वजह से ही मैं वापस जो है इस पे आया। हालांकि तीन चार महीने पूरा इनएक्टिव सा था हमारा चैनल। अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब उसको करें। अभी हम 16,000 सब्सक्राइबर आ चुके हैं हमारे चैनल पे, राइट। और उसके पीछे कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि मतलब क्या ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपके सब्सक्राइबर कम क्यों हैं, तो उसके पीछे टेक्निकल रीज़न भी है, ठीक है। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें पॉइंट ये है कि मैंने जो इसमें टैग्स और डिस्क्रिप्शन होते हैं तो उनको टेक्निकली सही तरह से प्लेस नहीं किया था, ठीक है ना। तो वो बिकॉज इतनी सारी कई सारी इन्फॉर्मेशन्स होती हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन्स होती हैं, तो उनकी कमी रही और उस वजह से वो प्रॉपरली प्लेस नहीं हो पाए। और वो मैंने अभी मतलब 5-6 मंथ पहले ही उनको उसमें अपडेट किया। तब भी से आपने देखा होगा कि अब चैनल का जो स्पीड है थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। सब्सक्राइबर आ रहे हैं उस पर, तो आप ये मैं जितने भी सब्सक्राइबर हैं, 16,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप बेटा ये करें कि दूसरे बच्चों को बोलें जिससे ये चैनल पूरी जगह स्प्रेड हो जाए, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है जो कि फ्री है और मैंने सिस्टमेटिकली उसको चैनल पे प्लेस किया है, ठीक है ना। तो बहुत ही आराम से आप उन सारे चीज़ों को देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बात की हम कभी गारंटी नहीं लेते कि हम मेरे पढ़ाने की वजह से ही आप 100% जो है सारा कवर कर लेंगे। ये ध्यान रखें कि चीज़ों को आप भी अपनी तरफ से भी उनको देखते रहें, चेक करते रहें। आप अगर सपोज IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डेफिनेटली लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स जितने भी हैं IIT के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पर्टिकुलर चैप्टर के देखिए कि वो किस लेवल पे आए हुए हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है और मैं जो यहाँ करवा रहा हूँ वो क्या लेवल है, तो आप उसको वहाँ से मतलब बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। पता चल जाएगा आपको कि मैंने किस लेवल पे काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप जो बच्चे तेज होते हैं वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी इसको देख लेते हैं, पता लग जाता है उनको कि मैंने किस लेवल पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हुई, राइट। हमारी न्यू अनाउंसमेंट ये है कि हम नया चैप्टर एरिया अंडर द कर्व 1 या 2 हो सकता है कल से या नहीं तो परसों से वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबली कल आपको मिलेगा। तो मैं उसको अपलोड स्टार्ट कर दूंगा और हम स्पीडली करेंगे, क्रिस्पी होगा, फास्ट होगा और अच्छा चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।